और अब बात गुरुग्राम की, जहां पहली बार राज्य स्तरीय T10 विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन विमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करवाया जा रहा है। बता दें कि शक्ति रानी शर्मा एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष बनने के बाद रानी शर्मा ने विमेन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन की योजना बनाई। T10 टूर्नामेंट का आयोजन 10 मई से होना है, जिसके लिए हरियाणा की टीम का ट्रायल लिया गया है। हमारी जो हरियाणा के लिए अभी ट्रायल देने आए हैं, कम से कम 13 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चे पहुंचे हैं और देख रहे हो आप लड़कियों में कितना उत्साह है, लड़कियां बड़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और ऑनरेबल CM's बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ अभियान के तहत हम इस गेम को कर रहे हैं और गर्ल्स में अच्छा स्पॉट डेवलप करने के लिए, उनको एक अच्छा प्रोजेक्शन फ्यूचर के देने के लिए हमारी ये पहली कोशिश है। एक जरूर, एक्चुअली ये तो है तो ओपन, जिसमें आप मैक्सिमम 23 इयर्स के बच्चों को हम ले रहे हैं और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से मैंने बुलाए हैं, जहाँ से झज्जर है, पानीपत है, पंचकुला है, सोनीपत है, फरीदाबाद एंड गुड़गांव, और इसमें बच्चे वही खेल रहे हैं जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। इसमें पहले शुरू में 8 टीमें भाग ले रही हैं, 8 सेटों की टीमें भाग ले रही हैं। ये कल शाम को 5 बजे मैच शुरू हो जाएंगे, कल सुबह 6 बजे से। शाम को 5 बजे MDH मसाले के जो चेयरमैन हैं महाशय धर्मपाल जी, जो पद्म भूषण जी से सम्मानित हैं, वो शाम को 5 बजे इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। ये पूरा आयोजन मेरे को अपने आप में बहुत ही एक ऐसी चीज़ लग रही है जो लड़कियों को बहुत आगे लेकर जाएगा, और ये जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है सबके लिए बहुत ही इनकरेजिंग है।